पीडीपी के दो और नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक साबिक रुकन असेंबली ने आज सज्जाद लोन की क्यादत में पीपल्स कॉन्फ्रेंस में शमूलियत अख्तियार की। इन मेंबरान में खुर्शीद आलम, मंसूर हुसैन और बशारत बुखारी शामिल हैं। इस ताल्लुक से कॉन्फ्रेंस सज्जाद लोन की सरकारी रहायशगाह पर वाकई चर्च लेन सोनवार में मुनाकिद की गई। इस दौरान सज्जाद लोन ने कहा कि इन सियासी रहनुमाओं का पीपल्स कॉन्फ्रेंस में शमूलियत इख्तियार करना एक खुशाइन बात है। बशारत बुखारी के नेशनल कॉन्फ्रेंस को छोड़ने पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर व साबिक वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने एक ट्वीट में कहा था कि काश ऐसा न होता। वाज़ह है कि बशारत बुखारी इससे कबल महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीपल्स डेमोक्रेटिक में थे और वो बीजेपी और पीडीपी की मखलूत सरकार में वजीर रह चुके हैं। बीजेपी और पीडीपी की इत्तेहादी हुकूमत टूटने के बाद सन 2018 में बशारत बुखारी ने पीडीपी को अलविदा कहते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए थे। ये टीवी भारत के लिए श्रीनगर से मीर फरहत मकबूल की रिपोर्ट।